हेलो एवरी वेलकम टू स्प्रिंट टू पीएससी सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड एंड वी आर ऑन चैप्टर एज दैट इज द सांगम एज सो देखिए हम अब तक पढ़ चुके हैं मेजर जो आपके साउथ इंडियन किंगडम्स में मेजर रूलर्स थे चेरास चोलास पांडियाज ठीक है इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यानी कि हम एक पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है न पोलिटिकल क्रोनोलॉजी पढ़ ली हमने अब हम थोड़ा इन फीचर्स समझते हैं संगम एज के फीचर्स समझते हैं ठीक है उस तरह उस उस वक्त की सोसाइटी के फीचर्स समझेंगे फीचर्स कैसे समझेंगे पॉलिटी इकनॉमी रिलीजन आर्ट्स कल्चर ये सब समझ के है ना तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन से संगम पॉलिटी है ना और इसी सेशन से में हम एक और अ, सब हेड भी कंप्लीट कर लेंगे दैट इज़ द संगम सोसाइटी सो दीज टू थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टूडेज सेशन आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे रिलीजन position of women fine arts economy of sangam age and end of sangam age okay but for today's session we are going to discuss the sangam society and sangam polity to pehle polity padhte hain hai na polity sangam polity se matlab kya political conditions thi aur kya political system tha us waqt pe ठीक है तो देखिए political system में बात की जाए तो ये क्या थी monarchy? Monarch rule करता था किस basis पे हेरिडेटरी पे है ना यानी कि किंग का बेटा किंग बनेगा ओके सो so, किंग अपने मिनिस्टर्स से एडवाइस लेता था तो यहां पे मिनिस्ट्रीज भी थी यानी कि मिनिस्टर होता था एक ठीक है कोर्ट के पोइट्स से एडवाइसिस लिया करता था और दे यूज टू बी इंपीरियल कोर्ट्स एज वेल है ना और अवय जिसको बोला जाता है चेरा किंग्स की बात करें तो उन बहुत सारे टाइटल्स लेके रखे हुए थे टाइटल्स जैसे कि वना वरम वना वन वनावन वन और भी इस तरह के जो है टाइटल्स अपने आप को दिए गए थे इन्होंने दिए थे चोला किंग्स ने भी अपने आप को टाइटल्स दिए थे जैसे कि सेनी वालावन किल्ली पांड्यास ने भी अपने आप को टाइटल्स दिए थे जैसे कि तेनावर एंड मीनावर ओके तो ये देखो टाइटल्स का कल्चर हमारे हिस्ट्री में हमेशा से ही चलता आ रहा है किंग अपने आप को राजाधिराज और इस तरह के टाइटल्स देते आते रहे हैं तो साउथ इंडिया में भी आपको सिमिलर कल्चर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी वाइज तो यहाँ पर भी आपको मिल गया टाइटल का सिस्टम हर एक डायनेस्टी जो संगम एज पे थी दे हैव हैड अ रॉयल एम्बिलम ठीक है तो आपको एक और क्या फीचर मिल गया यहाँ पे रॉयल एम्बिलम है ना तो जैसे कि क्रैप ऑफ पांड्याज टाइगर फॉर द चोलाज बो फॉर द चेराज तो so अपने आप को क्या देने लगे ये ये अपने आप को देने लगे एम्बुलेंस एक एक यू नो सिंबल जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ से आपको ये कल्चर शुरू हो गया जो इम्पीरियल कोर्ट हुआ करता था और अवई हुआ करता था दैट वॉज अटेंडेड बाय नंबर ऑफ चीफ्स एंड ऑफिशियल्स किंग को एक ऑफिशियल्स uh, की बॉडी जो है वो असिस्ट करती थी और उसको पांच काउंसिल्स में डिवाइड किया गया था है ना यानी कि यहाँ पे आप समझ लीजिए पांच अलग अलग जो सेक्टर्स संभालते थे जैसे कि कुछ होते थे मिनिस्टर्स जिनको एम चार बोलते हैं प्रिस्ट हुआ करते थे मिलिट्री कमांडर्स थे एंड थे एंड स्पाइस थे तो ये क्या हो गया फाइव तरह के ऑफिशियल्स यानी कि पांच काउंसिल्स में डिवाइड किए गए थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन संगम एज में बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज था और हर एक रूलर के पास अपना दे हैव हैड अ वेरी रेगुलर आर्मी एंड जो कि एंड द रेस्पेक्टिव कोडी मरम विच इज़ ऑल्सो ट्यूटलरी ट्री यानी कि विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन और एज एन गार्डियन शिप लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे बड़ा चीफ सोर्सेस था पैसे कमाने का यहाँ पे पैसे इनकम का अगर स्टेट के इनकम की बात करें तो स्टेट की इनकम कहाँ से आ रही थी मेजरली मेजरली आ रही थी लैंड रेवेन्यू से यानी कि लोग जो है जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ परसेंट इनको मिलता था ठीक है तो वो एज अ कस्टम ड्यूटी इम्पोज की गई थी वाइल कस्टम ड्यूटी भी यहाँ पे आपको इसका भी सिस्टम मिला मिल जाएगा फॉरेन ट्रेड के लिए ये इम्पोज़ की गई थी पत्ताने पिलाई रेफर्स द कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पोहार तो जब हमने ये पढ़ा है कि आपको ये संगम सोसाइटी में वी हैव फाउंड द एविडेंसिज दैट दे हैड बीन द फॉरन ट्रेड तो फॉरन ट्रेड के लिए ऑफिशियल्स भी एम्प्लॉयड ही होंगे तो वो भी उसका भी एविडेंस मिला है बोटी कैप्चर्ड इन वॉर वॉज ऑल्सो द मेजर इनकम ऑफ रॉयल ट्रेजरी ना टॉकिंग अबाउट द रोड्स एंड हाईवेज़ वो भी बहुत ही अच्छे से मेनटेन रहा करते थे उनको गार्ड किया जाता था, था रातों में यानी कि नाइट में और दिन में भी जिससे रॉबरी स्मगलिंग जैसी चीज़ें ना हो पाएं ना टॉकिंग अबाउट द संगम सोसाइटी सो जब तोल तोल काम हम, हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर फाइव फोल्ड डिविजन्स दिया हुआ है लैंड का यानी कि लैंड को डिवाइड किया गया है आपको यू कैन से जोग्राफी और इकनॉमी के इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे तो एक ट्रैक है हिली ट्रैक्स हिली ट्रैक को डिवाइड किया गया था ठीक है दूसरा है पेस्टोरल जहां पे पेस्टोरल एक्टिविटीज कर पाए तीसरा है एग्रीकल्चरल चौथा है कोस्टल एंड पांचवा है डेजर्ट ठीक है इनके नाम यहाँ पे रेस्पेक्टिव नेम्स लिखे हुए हैं जो भी लोग अपने अपने डिविजन्स में रहते थे दे हैव हैड देयर रेस्पेक्टिव चीफ ऑक्यूपेशंस एज़ वेल एज़ गॉड फॉर वर्शिप ओके यानी कि हर एक लैंड का अलग भगवान होगा और उनका अलग ऑक्यूपेशन होगा जैसे कि हम कुरिन जी की बात करें विच इज़ द हिली ट्रैक तो चीफ डाइटी वॉज मुरुगन ठीक है मुरुगन के नाम सुने होंगे आपने तो चीफ डाइटी इज मुरगन चीफ ऑक्यूपेशन इनका क्या होता था क्योंकि ये हिली ट्रैक्स हैं हंटिंग और हनी कलेक्शन क्या करते हैं सेकेंड वन इज़ मुलई विच इज़ द पेस्टोरल लैंड ठीक है पेस्टोरल लैंड है तो काम भी इनका कैसा होगा कैटल रियरिंग का डेयरी प्रोडक्ट्स को संभालने का ठीक है चीफ डाइटी कौन होंगे विष्णु ओके मायन फिर उसके बाद द थर्ड वन इज मरुधम विच इज द एग्रीकल्चरल लैंड तो एग्रीकल्चरल लैंड में जो रह लोग रह रहे होंगे उनका चीफ ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर और उनकी चीफ डाइटी होगी डाइटे होंगे इंद्र क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको बारिश की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है और इंद्र जो देवता है वो बारिश से रिलेटेड रिलेटेड है तो आप देख लीजिए यहां पे जैसे हमने वैदिक कल्चर में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि जो वहां के लोग हैं उन्होंने क्या नेचुरल चीजों को भगवान माना था तो वही चीजें यहां पे कंटिन्यू की गई हैं लेकिन यहां पे ऑक्यूपेशन भी डिवाइड कर दिया गया है टॉकिंग अबाउट नेट कोस्टल रीजन ठीक है चीफ डाइटी वरुण हो जाएंगे एंड चीफ ऑक्यूपेशन इनका फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग था पलाई इसकी बात करें सो that दैट was द डेजर्ट चीफ डाइट चीफ डाइटी इनके हो जाएंगे कोरबाई और चीफ ऑक्युपेशन रॉबरी ओके सो दिस इज हाउ द ऑक्यूपेशन वॉज डिवाइड चीफ ऑक्यूपेशन वॉज डिवाइडेड अमंग ऑल ऑफ दम तोल पक्कीम ऑल्सो रेफर्स द कास्ट नेम्स अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी आपको मिलेगा अरासर अथानार वीगर एंड वेलर द रूलिंग क्लास वॉज अरासर ठीक है सो रूलिंग क्लास हो गए अरासर अथानार्स क्या थे वो आपके संग पॉलिटी और रिलीजन में काम करते थे वानी की बात करें तो ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है ना एंड वेला लार की बात करें तो दे बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सो इसके अलावा ये आपका जो कास्ट डिविजन है इसके अलावा भी यू विल फाइंड द ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि पाराथवार पनार आयनार और इस तरह से आपको ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ पे देखने मिल जाएंगे जो कि आपको संजम सोसाइटी में मिलेंगे एंशियंट प्रिमेटिव ट्राइब्स लाइक टोडाज इरुलार्स, नागार्ज बेदार्स तो ये भी आपको इस पीरियड में देखने मिल जाएंगे सो दिस इज इट अबाउट द संगम पॉलिटी एंड संगम सोसाइटी आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द रिलीजन पोजिशन ऑफ वुमेन फाइन आर्ट्स इकनॉमी एंड हाउ द एज was ended so this is it about this session i hope you like this video and if you did you can subscribe to the youtube channel for more videos and updates and also you can download the sprint upsc app to practice book chapter and topic wise remember candidates just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly so identify your mistakes and work to improve your performance and sprint upsc is the perfect app to do all of this अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी ऐप यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए से बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच